देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। शान सर आपकी शानदार सवाल, I like it। भाई मैं देखिए किसके लाया हूँ। सर आइए सर। जी 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 जी। कौन है देखिए। हेलो भाभी जी, कैसे हैं आप? हेलो, हाय दिया तो सांजी है, सांजी। आज तक तो हम इनको टीवी पर देखे थे, ये तो हमरे सामने खड़े हैं साक्षात। आप बहुत ही हैंडपंप हैं। हैंडपंप? हैंडपंप नहीं, हैंडसम। हंसी पकड़े हैं। वैसे भाभी जी आपकी चर्चे तो पूरे इंडिया में चल रही है जी, आप यकीन मानिए। थैंक यू। अच्छा सांजी, हमको एक बात बताइए, आप यहाँ कानपुर में गंगा नहाने आए हैं का? आई लाइक इट। अरे नहीं, आप तो पता है कि हमारा वॉइस इंडिया चल रहा है, बहुत जल्द आने वाला है, उसमें ब्लाइंड ऑडिशंस होती हैं। ब्लाइंड ऑडिशंस में हम क्या है कि सिंगर को देख नहीं सकते लेकिन कान लगाकर सुन जरूर सकते हैं, तो इसलिए कानपुर आ गए। हाँ, इका मतलब आप हमारे कानपुर में टॉयलेट ढूंढेंगे। टॉयलेट नहीं, टैलेंट, टैलेंट, टैलेंट। सही पकड़े हैं। जी जी जी, बस टैलेंट ढूंढते ढूंढते हम कानपुर आ गए हैं। और आप तो जानते हैं कि हमारे साथ हमारे जो कोचेज हैं, मेरे साथ है नीति मोहन, सलीम मर्चेंट, बेनी दयाल, और हम सब इन टैलेंट्स को और कोच करेंगे और बेहतर बनाएंगे। फिलहाल टैलेंट मिल तो जाए। हाँ सांजी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको बहुत अच्छे गायक मिले। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। हमारे मोहल्ले में शान ने आके शान बढ़ा दी मोहल्ले की, बाय द वे माई सेल्फ विभूति नारायण मिश्रा। ऑफ कोर्स, विभूति नारायण मिश्रा उर्फ नल्ले। आई लाइक इट। नल्ले का जिक्र इन्होंने किया होगा आपसे। आई लाइक इट। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिस्टर नल्ले के चर्चे तो इंडिया के हर मोहल्ले में है। You think so? अरे फेमस शान जी पधारे हैं हमारे देश। तिवारी जी, क्या बात है, कैसे स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये फालतू के लोगों से बात मत किया कीजिए, ये आपकी शान के खिलाफ है। मैं फालतू लगता हूँ आपको? हाँ मैं फालतू लगता हूँ, ये क्या पका भी आपने? भाभी जी को छोड़ के आपका पूरा का पूरा खानदान घटिया छिछोरों का कमीनों का है। अरे आपका पूरा खानदान फालतू है। यू शट अप। अरे यू शट अप। गो अहेड। आप जो, अरे अरे आप दोनों क्यों इतना झगड़ रहे हैं? आप दोनों ही फालतू, मतलब दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और भाभी जी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अरे भाभी जी से याद है, अनीता भाभी कहाँ है? उनकी ग्रूमिंग क्लासेस में तो अच्छे अच्छे सिंगर्स होंगे ना? यू आर सो राइट शान, वेलकम वेलकम। अरे वॉइस इंडिया का मंच ही ऐसा है जिसमें हर सिंगर जाना चाहता है, एंड एक्चुअली मेरी ग्रूमिंग क्लासेस के बहुत सारे बच्चे वॉइस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। भाभी जी, मैंने जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा गोरी और खूबसूरत है आप। ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं और रेडिश हो जाऊंगी? अब भाभी जी, बात सुनकर जब हम रेडिश हो गए तो आपका रेडिश होना तो लाजमी है। जी, आप क्यों बात घुमा फिरा कर कहते हैं? जी ठीक से बताइए ना, सीधे सीधे कि आखिर क्या बात है। वो क्या है भाभी जी कि हम झकरकट्टी की तरफ गए थे तो वहां हमने देखा कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स लंगर चला रहे हैं। ऑफ कोर्स, वो मेरे स्टूडेंट्स है ना, पंकज, निधि, वो है एक्चुअली ये कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो ये सुनकर तो मुझे खुश होना चाहिए ना, इसमें शर्म की क्या बात है? नहीं भाभी जी, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। तिवारी जी, आप मुझे क्या कोई फिल्म की कहानी सुना रहे हैं? तो ट्विस्ट अभी बाकी है। नहीं भाभी, भाभी सुनिए तो सही। ओफो कहिए। जी भाभी जी, क्या है कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स कुछ भिखारियों को खाना खिला रहे थे और भिखारियों को साथ में 50-50 रुपए भी दे रहे थे, और ये सुनकर तो आप और भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगी भाभी जी की भिखारियों की उस पंगत में। बोलिए। भभूति जी भी मौजूद थे। कैसा क्या क्या तरीका है यार। बेबी, ये आदमी क्या कर रहा है मेरे घर में? उनकी छोड़ो, पहले अपनी बताओ कहां से आ रहे हो? ऑलराइट, मैं आ रहा हूं झकरकट्टी से। एक्चुअली क्या वहां पे था लंगर,
और लंगर में मेरे फेवरेट छोले चावल थे, एंड यू नो आई कांट रेजिस्ट छोले चावल, सो मैंने तो खा लिया। तुम भिखारियों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बिग डील, क्या वो इंसान नहीं होते क्या? और भीख में तुमने 50 रुपए भी लिए। हाँ, एक्चुअली वो सबको दे रहा था तो मुझे भी दे दिया। मैंने हालांकि कहा भी उससे, बट कौन था वो? आई नो, पंकज था यार, तुम्हारा स्टूडेंट। बट उसने इतना इंसिस्ट किया और उसने बोला कि नहीं सर, आप सबको दे रहे हैं तो आपको भी। एंड ही शूक हैंड्स। पता नहीं निधि बड़ा पागलों की तरह हंस रही थी। आई वाज वंडरिंग व्हाई शी वाज लाफिंग सो मच। आई मीन शी वाज लाफिंग ऑन यू फॉर गॉड्स सेक। ओह रियली? तुमने क्या अपनी शर्म भी बेच खाई है विभू? बेच खाई है भाभी जी। शट अप, शट अप। तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जी, एक अमीरजादी ने जिस इंसान के सर से छत छीन ली हो, वो कैसा हो सकता है? एक गुरूरमंद औरत ने जिस इंसान के मुंह से निवाला छीन लिया हो, वो कैसा हो सकता है भाभी जी? आप क्या बोल रहे हैं भरभूति जी? हमरी कुछ नहीं समझ आ रहा है। I don't affect that she's a ball। भाभी जी, अनु ने मुझे फिर से एक बार घर से बाहर निकाल दिया है। मैं बेबस, बेसहारा, मजलूम, मजबूर होके रह गया हूँ भाभी जी। था तो मेरे सर पे छत है, था जेब में पैसे हैं, था मुंह में निवाला है, ना पेट में दाना है। भाभी जी, I'm a goner। इका मतबल, आप गरीब हो गए हैं। या भाभी जी, यस। हाँ, और जरूरतमंद भी हो गए हैं। यस। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। भाभी जी, मैं गरीब हो गया हूँ, जरूरतमंद हो गया हूँ, मजलूम हो गया हूँ, मजबूर हो गया हूँ, इस बात का आप जश्न मना रही है? नहीं नहीं भाभी जी, आप एक गरीब इंसान की गुर्बत का मजाक उड़ा रही हैं। भाभी जी, मुझे अपनी मोहब्बत से इस तरह की उम्मीद आता ही ना थी। क्या बोले? भाभी जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं भरभूति जी, आप हमको मिस अंडर गारमेंट्स कर रहे हैं। भाभी जी, मिस अंडरस्टैंडिंग। सही पकड़े हैं आप, हमको गलत समझ रहे हैं। वो बात कहा है ना कि अम्मा जी हमको एक उपाय बताई हैं कि हमको 1.5 साल तक 3 गरीब जरूरतमंद लोगों को 3 टाइम का खाना खिलाना है, और ऊपर से साथ में ना 50-50 रुपए भी देने हैं। ऐसा करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होगा। अच्छा, that's good, that's good। हाँ, और तभी तो हम सोच रहे थे कि हम वो 3 ठो गरीब जरूरतमंद कहाँ से ढूंढेंगे। कि आप आ गए। हाँ, well, आपको एक तो मिलेंगे, हम राइट है, और अ प्लेटर, सिल्वर प्लेटर। सही पकड़े हैं। अब हम सोच रहे हैं कि 2 ठो और कहाँ ढूंढे। तो हम कहाँ बोल रहे हैं, वो झाकरकटी के पास या गंदे नाले के पास तो मिल जाएगा। गंदे नाले के पास काफी गरीब पलते हैं। यस, दो मिल जाएंगे वहां से, ऑफ कोर्स, हम दो तो मिल जाएंगे। भाभी जी, अब आपको दूर जाने की जरूरत ना है, अभी भूखे जरूरतमंद है ना, खुद आपके पास चलकर आ गए। भाभी जी, हमारे मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दो, अब हमारे सर पे छत भी ना है रही रहने के लिए, और ना जेब में ढेलो है, ना मुंह में निवालो है। दिया, हमको 3 तो भिखारी मिल गए। क्या बात है भाभी जी, आपके मनमोहक चेहरे पर ये गुस्से की काली घटाएं का छाई है। मेरे गुस्से की वजह है आप। हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया? घर का कोई काम नहीं हुआ है, और सच बताऊं तो अब तो मैं विभू को बहुत मिस भी कर रही हूँ। भभूति जी की इतनी कमी खल रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम है ना। yes। लगता है भाभी जी ने नए नौकर रखो है। भाई, नए नौकर साफ सफाई बराबर करना, वरना मैडम नाराज हो जाएंगी।